जी सनु जी, बात करें अगर अब बिनौला खल हेलो। की, तो बिनौला खल में देख रहे हैं कि 3300 के लेवल के बाद बिनौला खल में अब 3200 के लेवल्स पर बिनौला खल ट्रेड करता नजर आ रहा है। 2% की करेक्शन आज हम बनते हुए देख रहे हैं। अब अगला कारोबारी सप्ताह बिनौला खल के लिए कैसा रह सकता है? क्या यहां से बिनौला खल में थोड़ी और मुनाफा वसूली मिले देखने को मिलेगी, या फिर इन स्तर से खरीदारी आएगी? देखिए बिल्कुल, बिनौला खल मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ नरमी ही देखने को मिलेगी, क्योंकि हायर लेवल पर जो डिमांड है वो यहाँ पे कम होती हुई दिख रही है। उसके मुकाबले अगर हम देखें तो जो बाकी प्रोडक्ट है वहाँ पर हम डिमांड आती हुई देखेंगे, क्योंकि कैटल फील्ड की डिमांड है। अगर कल महंगी होगी तो जो पशु चारा है वो हरा चारे की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखता है। मुझे लगता है कि इन लेवल पे जो डिमांड रहेगी वो कम रहेगी, और यहाँ पर हमें गर्मी का ही रूप देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि जल्दी ही यहाँ पर हम 3100-3000 के लेवल देख पाएंगे। तो यहाँ पर मेरी सलाह है कि आप खरीदारी ना करें, कुछ ऊपरी स्तर मिले 3300 के आसपास तक या 3350, तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड लें। जी, फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।